अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस जायनमाज की मेजरमेंट शेयर करूंगी और इसको बनाने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। वीडियो मैंने अपलोड कर दी है लेकिन उसमें मैं इसकी मेजरमेंट शेयर करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ और आपके साथ इसकी मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको सबसे जो इसकी स्टार्टिंग की मेजरमेंट है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम स्टिचेस को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी यही है जहाँ से हमने स्टिचेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप कोशिश करें यहाँ जो आप स्टिचेस बना रहे हैं इसको ज़्यादा करें ताकि जब इसकी जो आप लेंथ बनाएंगे और विड्थ तो जो है वो लेंथ के साथ सही बने आपकी। इसलिए यहाँ से आपने जो है मेजरमेंट्स को सही से रखना है, मींस कि इसकी लेंथ को ज़्यादा रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से कम रखेंगे तो फिर इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपने पहले ही ये जो विड्थ हम बना रहे हैं तो उसको आपने पहले ही ज़्यादा ले लेना है ताकि आप आगे की तरफ जो स्टिचेस बनाएंगे जितना इसको बड़ा बनाएंगे आपको बनाने में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो जो मैंने मेजरमेंट रखी थी सबसे जो स्टार्ट में मैंने चेन्स बनाए थे वो मैंने किए थे 16.5, ठीक है। 16.5 मैंने चेन्स की जो लेंथ है वो रखी थी 16.5, ठीक है। और फिर यहाँ से मैंने जो राउंड्स बनाए हैं पर्पल और येलो कलर के वो मैंने टोटल 104, ठीक है, 100 से अबव राउंड ये जो मैंने बनाए हैं ये मैंने बनाए थे, ठीक है। तो अभी यहाँ से और वहाँ तक जो मैंने राउंड बनाए हैं 104 वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट आई है ये आई है 29 इंचेस, ठीक है, 29 इंचेस बनी है। और जो जायनमाज की फुल लेंथ है वहां से लेकर यहाँ तक सारी स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद जो आई है वो है 38.5, ठीक है, 38.5 फुल इसकी जो लेंथ है वो बनी है। और ये जो खाने काबा बना के अटैच किया है इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, 7 इंचेस है, ठीक है, इसकी लेंथ बनी है 7 इंचेस। और जो इसकी विड्थ है वो है 5.5 इंचेस इसकी विड्थ है। और जायनमाज की जो पूरी विड्थ है वो मैं आपको दिखाती हूँ सारी स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद, इसकी विड्थ बनी है 25 इंचेस, ठीक है, सारी स्टिचेस ओवरऑल कंप्लीट करने के बाद। जी वीर, जायनमाज की मेजरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं और ये जो मैंने येलो कलर का जो धागा इस्तेमाल किया है वो मैंने किया है 100 ग्राम से कम यूज़ हुआ है, ठीक है। और जो पर्पल वाला है वो मेरा 250 या फिर 300 के आसपास कई इस तरह से इतने ग्राम में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको बनाने का जो तरीका है वो आप मेरे चैनल पर जो है वो देख सकते हैं कि आपने किस तरह से इसको बनाना है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।